ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन आरओ वाटर प्लांट का हुआ भव्य तरीके से उद्घाटन, ग्रामीणों को मिलेगा शुद्ध जल। हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्वी हरियाणा पंचायत के खुदाई बाड़ी में आरओ वाटर प्लांट स्थापित किया गया है। वहीं शुद्ध पेयजल बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, इसी के तहत पंचायत के खुदाई बाड़ी गाँव में पूर्व मुखिया बसुद्दीन सिद्दीक की पूर्व प्रमुख बाबुद्दीन आजाद, डॉक्टर MS आजाद एवं मोहम्मद शफीक द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर आरओ प्लांट का शुभारम्भ किया गया। इस प्लांट से ग्रामीणों को अफलक स्नेहा शुद्ध पेयजल मिलेगा। प्लांट शुरू हो जाने से ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है, जहां संस्थापक हाजी मोहम्मद शफीक ने कहा कि आज के जीवन में सर्वप्रथम बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल बहुत जरूरी है, इसलिए ग्रामीण लोगों को स्वच्छ पेयजल पीने के लिए फ्लक्स मिनरल प्लांट स्थापित किया गया है। साथ ही साथ शादी विवाह के मौके पर शुद्ध और प्योरीफायर जल पीने को मिलेगा। और इन्होंने कहा कि जो भी गरीब लोग होंगे, अगर ज़रूरत होगी तो उन्हें निःशुल्क में भी जल उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ गरीब बेटी की विवाह में भी हर संभव प्रयास होगा कि कुछ जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर पूर्व सरपंच शंभु सिंह, पूर्व प्रमुख बाबुद्दीन, मुन्ना प्रसाद शाह रफीक, तनवीर अहमद, महफूज मोनू शाह, अमरुद्दीन शाह रियाजुद्दीन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। क्या आप मतलब मैसेज देना चाहें, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका आज शुभारंभ किए हैं मिनरल वाटर का, जो ग्रामीणों में नहीं उपलब्ध था, इधर दूर दूर तक लोगों से लाने थे, तो आपका क्या मतलब बेहतर रहेगा, आपकी तकनीकी क्या रहेगी? बेहतर यही रहेगा कि हमारे पंचायत की जनता को, नज़दीक मेरा पंचायत है, इस पंचायत में इस टाइप का प्लांट नहीं था। और दूसरी बात यह है कि मेरे गाँव के लोगों के लिए जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हो गया। 12 बजे रात को भी चाहिए, पैसा है नहीं है, हम एनी टाइम उन लोगों के लिए खड़े हैं। 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक जो भी उपलब्ध होगा हम लेंगे, और जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे अपने पंचायत के लोग। और भी ग्रामीण लोग हैं, अगल बगल के पंचायत के लोग हैं, उनको भी मदद करेंगे। और कंपनियों से ज़्यादा हमारी कंपनी अच्छी है, पानी बढ़िया है, मिनरल है, और 5 रुपये सस्ता भी है। बहुत सारी बीमारियां जो पानी की वजह से होती है, तो क्या लगता है कि अच्छा क्वालिटी का पानी पीने से बीमारियां? कोई बीमारी नहीं होगी इसमें, कोई बीमारी नहीं इसमें। आपको बताएं 22 से लेके 45 के बीच में मेरा पानी का क्वालिटी है, TDS इसमें 22 से 45 तक है और नेचुरल है। इसको हम जाँच करा चुके हैं लैब में, कोई बीमारी का सवाल ही नहीं है इसमें पानी। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे क्षेत्र के लोगों को, जो सुविधा चाहिए हम सुविधा देने के लिए तैयार। शादी विवाह में क्या निशुल्क सप्लाई? निशुल्क सप्लाई यही है कि मान लीजिए कोई गरीब लड़की का अगर शादी है तो मेरे तरफ से फ्री पानी रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद शफीक हुआ। क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारा शुभारम्भ में आप जाते हैं, बहुत सारा ओपनिंग करते हैं, तो इससे क्या जनता को लाभ मिलेगा मिनरल वाटर से? देखिए, पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। मेरा कहना है कि मेरे पंचायत में ऐसा प्लांट नहीं था, प्लांट लगा है, बहुत अच्छा बात है। इसलिए शफीक भाई को बहुत बधाई दूंगा और जनता से, लोगों से कहूंगा कि भाई इनका इससे फायदा उठावे, बढ़िया से बढ़िया लोग फायदा उठावे। अगर जरूरत पड़े तो जहां भी फ्री की जरूरत पड़े तो फ्री देंगे, लेकिन गरीब लोगों को देंगे और सस्ता भी देंगे। आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं था? जी, हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं था, प्लांट बैठा है, इसको हम लोग सहयोग करेंगे कि भैया बढ़िया चले, आगे बढ़े। मैं बसीरुद्दीन सिद्दीकी, पूर्वी हरियाणा। पूर्वी मिनरल वाटर फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ है, कैसा रहेगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी अच्छे पानी की सुविधा उपलब्ध? हाँ, हमारे पंचायत के लोगों को अच्छी तरह से शुद्ध पानी मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लोगों से क्या अपील करेंगे, अपने पंचायत के लोगों से क्या कहेंगे, कैसे शुद्ध पानी को इस्तेमाल किया जाए? हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि एकदम शुद्ध पानी मिलेगा, आप इसका प्रयोग कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे सूचना दीजिए, हम लोग उनको सूचना देंगे और इसको परिवर्तन करके अच्छी से अच्छी आपको पानी देने का, जल देने का हम लोग प्रयास करेंगे। शंभू सिंह, पूर्व सरपंच, पूर्वी हरियाणा। किसान लोगों को भी कुछ नया करने का मौका मिलेगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो फलक जल आज ओपनिंग हुआ है, इस ओपनिंग में बहुत खुशी हुई है कि हमारे पूर्वी हरियाणा पंचायत में हमारे बड़े भाई शफीक साहब का साहब हैं, जो हैं फाउंडर हैं, उन्होंने ओपनिंग करवाया है हमारे पूर्व मुखिया जी से। और यहाँ पे पूर्वी हरियाणा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि पूरे रघुनाथपुर विधानसभा में हर जल से, हर पानी जो भी है उससे सस्ता हमारे पानी फलक देंगे। दूसरी बात कि हमारे तरफ से एक और मैं बात बता दूं, हमारे तरफ से किसी भी बेटी की शादी होगी तो हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट
मैं अपने द्वारा पानी मैं दिलवाऊंगा इनसे। आरिफ जमाल, AIMIM, युवा जिला संयोजक। आप यहाँ के निवासी हैं, क्या कहेंगे आप, इस तरह के शुभारंभ हुआ है आज, स्वच्छ पानी मिलेगा यहाँ के जनता को, जो लोकल लोग हैं, तो आप भी एक लोकल से उठाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मीडिया बंधु का धन्यवाद है कि हमारे लोग बीच आप लोग आए। हम लोगों को यही कहना है कि हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसा सुविधा हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र में मिला है। अब इसी से कोशिश करेंगे, शफीक भाई को कहेंगे कि हम कि अपना आगे बढ़ाएं, गरीब लोगों को मदद करें। मशीनें भी आधुनिक हैं, वो सब बहुत सब सही है, उसमें कोई कोई लेकिन नहीं है। अगर कोई अभी नया नया है सिस्टम, इसको चलाएगा और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मदद करेंगे। नाम बताइए। राजू सिंह सिद्दीकी।